हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है, तो फिर हम जा रहे हैं आज बाहर घूमने के लिए। तो प्रियल को हम लोग ने टकलू करा दिया क्योंकि गर्मी बहुत थी, और फिर मेरी सास बोलती कि हम जितनी बार बच्चे को टकलू करते हैं बाल अच्छे आते, तो फिर जब वो अगले साल से स्कूल जाने लग जाएगी तो फिर टकलू नहीं हो पाएगी, इसलिए हम लोग ने इसे अभी टकलू कर दिया। तो अभी आज हम लोग जा रहे हैं मॉल। एज यूजल अच्छा लगता है मॉल जाना संडे के दिन, क्योंकि प्रियल को पसंद है, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से खेलती है। तो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं, अगर रिक्शे से जाएंगे तो 7-8 मिनट में हम पहुँच जाते हैं मॉल। तो अभी मॉल उतर गए रिक्शे से, तो अभी हम मॉल के साइड जा रहे हैं। तो ये है ओबेरॉय मॉल, तो अभी हम जा रहे हैं अंदर। तो अभी हम मॉल के अंदर चले गए, तो सबसे पहले हम मॉल के बाजू में ही गार्डन है जो मॉल के अंदर से उसका रास्ता है, तो सबसे पहले हम मॉल में जाएंगे। और यहाँ पे हैमलेस का शॉप खुलने वाला है इस मॉल में, तो इसलिए उसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे चल रहा है। तो हम मॉल के गार्डन में आ गए, तो इसका रास्ता मॉल के अंदर से ही है, बाहर से जाना चाहे तो नहीं जा सकते, पहले मॉल में एंट्री करना पड़ेगा, फिर वहाँ से एक रास्ता है तो इस एक गार्डन आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा है, मीन्स एक गार्डन टाइप नहीं है, मॉल के साइड में ही ऐसा बनाया है सब झूला वाला रख के। तो प्रियल को बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर खेल के, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आए झूले के लिए, क्योंकि फिर मॉल में ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले हम प्रियल को यहाँ पे अच्छे से खिला लेंगे, उसके बाद हम मॉल में जाएंगे। तो प्रियल बहुत ही खुश हो जाती है। अब वहाँ पे पौना घंटा खेलने के बाद फिर हम अंदर आ गए थे मॉल में, तो हमने केएफसी और बर्गर किंग से खाने का मंगाया था, फिर वो हमारा। सो हाय फ्रेंड, अभी मैं आ गई हूँ घर पे, मॉल में जैसे घूमने तो घर पे आ गए, तो अभी मैंने चेंज कर लिया है। तो मैं अभी बना रही हूँ भाजी, फिर जब भाजी का तो रोटी बनाती हूँ, तो भाजी बना रही हूँ काला चना, यहाँ पे भिगा के रखा है, तो अभी जा रही हूँ बनाने के लिए। तो मैंने आईलाइनर लगाया था, शुरू शुरू में मुझे आईलाइनर लगाने नहीं आता था, लेकिन अभी भी मुझे फिर से हैबिट हो गई, तो मुझे थोड़ा ठीक लगा लिया मैंने, तो मैं आईलाइनर लगाने के लिए। मुझे पसंद है आईलाइनर लगाना, और काजल ज़्यादा नहीं पसंद है लेकिन ज़्यादा पसंद है। और मेरे हस्बैंड देख रहे मैच, तो मैच की आवाज़ आती रहेगी। तो मैं जा रही हूँ भाजी, मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, तो इसमें प्याज ज़्यादा लगता है, मतलब 5-6 प्याज तो ऐसे लंबा लंबा काट करके इसमें पड़ता है, फिर इसमें चने को फ्राई करते हैं, जब हो जाएगा तो फिर मसाला फ्राई करते हैं, तो इसी तरह से भाजी बनती है। तो इसमें जो प्याज अखा प्याज बहुत डालना पड़ता है, जैसे हम लोग चिकन में कैसे अखा प्याज ज़्यादा डालते हैं, वैसे इसमें इस ग्रेवी के लिए भी अखा प्याज बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है। मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ इस चने की भाजी की। तो ये मैंने चना सुबह मैंने भिगा दिया था, तो अभी शाम को बना रही हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे प्याज में फ्राई कर रही हूँ। तो अभी जब फ्राई लाल हो जाएगा प्याज, तो उसमें जो चना है उसका पानी निकाल के इसमें डाल देना है। तो अभी इसमें अच्छी तरह से इसे मिलाना है, जब चना और अच्छे से इसमें फ्राई हो जाएगा, लाल हो जाएगा, उसके बाद ही हम सब मसाले डालेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या मसाले डालने। तो यहाँ पे छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, जीरा, खड़ा धनिया, लौंग, ये सब डाल के ये मसाला पीसना है। और यहाँ पे मैंने 3 छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं और 1 बड़ा टमाटर लिया है, इसे भी साथ में पीसना है इसके। और यहाँ पे लहसुन, मिर्ची और प्याज मैंने काट लिया है, और साथ में धनिया लेना है। तो यहाँ पे मैंने धनिया डाल दिया है, जो खड़े मसाले थे होंगे, और ये बाकी सब साथ में इसकी मैं पीस लूँगी। और यहाँ पे चना भी अच्छे से लाल हो रहा है। यहाँ पे मसाला तैयार है पीस के, एकदम इसे बारीक पीस लेना है।
डाल दिया है मसाला, और लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, ये सब डाल दिया है मैंने, और जो पिसा हुआ मसाला तो वो डाला है। तो अब इसी सभी को मिला के अच्छी तरह से मसाले को चने के साथ अच्छी तरह से फ्राई करना है। और थोड़ा सा चाहिए तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हो, हल्का सा। तो जब मसाला एकदम अच्छे से फ्राई कीजिए इसको मीडियम हीट पे, जब ऐसे आपको लगे कि हाँ मसाले के ऊपर तेल आने लगा है, फिर इसके अंदर पानी डालना है। तो मसाला मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तो लग ही जाएगा मुझे मसाला फ्राई करने पे। मीडियम हीट पे मैं एकदम अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। तो मेरा मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया था, 15 मिनट के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया और नमक डाल के सीटी लगाने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैंने आटा भी गूंथ लिया है, अभी मैं रोटी बनाऊँगी। दूसरे साइड मैंने रख दिया भाजी का कुकर है, तो 4-5 सीटी में अच्छी तरह से चना गल जाएगा। तो अभी मैं एक साइड रोटी बना रही हूँ। चार सीटी मार दिया है कुकर ने, 4-5 सीटी तक, और मेरा चना अच्छे से हो गया। और देखिए पूरा जो ऑयल है ऊपर तक आ गया, ये भाजी मेरी तैयार है। और यहाँ पे रोटी भी मेरा बन गया है, तो सारी रोटी बन गई है, अब मेरा डिनर अच्छे से हो गया है। तो अभी हम सब डिनर कर लेंगे। और ये जब सबका डिनर हो गया तो मैंने मैंगो काटा था, तो आपको पता है कि अभी मैंगो का सीज़न है, तो सभी को मैंगो बहुत पसंद रहता है, मेरे घर वाले लोग को भी बहुत पसंद है। तो सब ने डिनर खाने के बाद फिर मैंगो खाने वाले हैं, तो मैंने इसमें काट के रखा है। और ये है हापुस, आप सभी को पता रहेगा कि रत्नागिरी का हापुस आम बहुत ही फेमस रहता है, वाइड वाइड फेमस है। तो दो किस्म के आम है, हापुस भी है और साथ में एक राजापुरी रहता है, वो आम भी है। तो अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए, और मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते किसी अच्छे से ब्लॉग में। बाय।